क्या 15 दिन में खत्म हो जाएगा कोरोना? सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, आवाजाही रही जारी तो बढ़ेगा खतरा। थर्ड स्टेज के करीब भारत, क्या लॉकडाउन को नहीं है बढ़ाने की जरूरत? पूरी दुनिया में महामारी बनकर फैले कोरोना वायरस ने काफी कोहराम मचाया है। कोरोना वायरस के कोहराम से अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी त्राहिमाम कर रहा है। इटली स्पेन के बाद कोरोना वायरस का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बनते जा रहा अमेरिका में पिछले 3 दिन में मरने वालों की संख्या दोगुनी होकर 2400 के पार पहुंच गई है, जबकि अकेले शनिवार को ही पीड़ितों की संख्या 19,000 से ज्यादा बढ़ गई। दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख को पार कर गया। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में संक्रमितों की संख्या 1100 से पार कर गई, वहीं 29 लोगों की इससे मौत हो गई है। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया था, जो कि जारी है। 14 अप्रैल तक जारी रहेगा ये लॉकडाउन, लेकिन कोरोना के बढ़ते कोहराम को देखते हुए ये तारीख और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने साफ कर दिया कि ये लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ऐसे में कई सारे रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि भारत कोरोना के तीसरे स्टेज के काफी करीब है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए लॉकडाउन खत्म करना सही नहीं होगा, क्योंकि जब ये खत्म होगा तो भीड़ बाहर निकलेगी और सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर खत्म होगी, जिससे कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैलेगा। इसी बीच स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ने कहा कि दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। इसके मद्देनजर कई देशों में लॉकडाउन है, लेकिन यह कदम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन है, लेकिन सिर्फ इसी से ये महामारी खत्म नहीं होगी। लॉकडाउन से मामले इतनी तेजी से नहीं फैल रहे हैं। हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। हम सभी देशों से अपील करते हैं कि इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाएं और हम सभी मिलकर कोरोना वायरस पर प्रहार करें, ताकि इस खतरनाक वायरस को जड़ से मिटाया जा सके। दिल्ली से पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए सृष्टि की रिपोर्ट।